दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिया की पांच आने वाली फिल्म्स के बारे में जिनका हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है या उनका टीजर रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे मैं बॉलीवुड का नाम नहीं ले रहा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि जो मूवीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर पांच पर है डबल एक्सेल। हुमा कुरैशी और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर डबल एक्सेल की कहानी दो महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो बॉडी शेमिंग का शिकार होती है। फिल्म का टीजर 22 सितंबर को रिलीज किया गया, ट्रेलर कुछ दिन बाद आएगा। फिल्म रिलीज होगी 14 अक्टूबर 2022 को। नंबर चार पर है ड्रीम गर्ल 2। 2019 में आई आपकी ड्रीम गर्ल फिर से आ रही है, जहां पहले पार्ट में आयुष्मान खुराना के साथ नुसरत बारूचा लीड रोल में थी, वहीं इस बार आयुष्मान के साथ स्ट्रगलिंग एक्टर अनन्या पांडे दिखेगी। जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी उनको बता दे कि आयुष्मान खुराना जाने जाते हैं एकदम चौंकाने वाली फिल्मों के लिए। इनके हाथ ऐसी स्क्रिप्ट आती है जो कमाल कर जाती है। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको आप Zee5 पर देख सकते हैं। दूसरे पार्ट की बात करें तो काफी वेट करना पड़ेगा उसके लिए। फिल्म रिलीज होगी 29 जून 2023 को। नंबर तीन पर है कोड नेम तिरंगा। कोड नेम तिरंगा एक स्पाई एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें लीड कर रही है परिणीति चोपड़ा और हार्डी संधू। इनके अलावा शामिल है शरद केलकर और दिव्येंदु भट्टाचार्य। फिल्म का टीजर 22 सितंबर को रिलीज हुआ। परिणीति जो एक रॉकी एजेंट है और वो एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर है और इस मिशन का कोड नेम होता है तिरंगा। परिणीति के इस एक्शन अवतार की काफी तारीफें हो रही है। फिल्म रिलीज होने वाली है 14 अक्टूबर 2022 को। नंबर दो पर है डॉक्टर जी। डॉक्टर जी आयुष्मान खुराना की एक और कॉमेडी ड्रामा फिल्म है एकदम नए और खुराफाती कॉन्सेप्ट के साथ। डॉक्टर उदय गुप्ता यानी कि आयुष्मान खुराना को स्त्री विभाग में डाल दिया जाता है जहां पर उन्हें औरतों के गुप्तांग को देखना होता है और ये उनके कंफर्ट जोन से बाहर होता है। अब कैसे वो ये सब झेल पाएंगे और इसी बीच क्या क्या कॉमेडी होगी यही इस फिल्म में दिखाया जाएगा, बाकी आप ट्रेलर देख के ही समझ जाओगे। फिल्म रिलीज होने वाली है 14 अक्टूबर 2022 को। एक और बात, मैं सोच रहा था आयुष्मान खुराना की टॉप 10 मूवीज का वीडियो बनाने के लिए, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं वीडियो बना दूंगा, बस आपको उसके लिए कमेंट करना होगा आयुष्मान भव। नंबर वन पर है कब्जा। कब्जा एक क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म है जो बेस है 1942 के दौर पर। इसे एक और केजीएफ कहा जा सकता है, इसके टीजर से तो यही लगता है। हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन 2 मिनट के टीजर में फुल केजीएफ वाइब ही नजर आती है। हालांकि स्टोरी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि ये फिल्म केजीएफ के लेवल की ही है और फिल्म को उतना ही पसंद किया जाएगा जितना केजीएफ को लोग करते हैं। एक्टर की बात करें तो लीड में है उपेंद्र, किच्चा सुदीप और श्रिया शरण। फिल्म को रिलीज किया जाएगा 22 दिसंबर 2022 को। तो दोस्तों ये थी इंडिया की न्यू अपकमिंग मूवीज की लिस्ट। इनमें से आप कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और लिस्ट के साथ। जय हिंद।